So, नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और मेरे साथ है महेश कुमार जैन सर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर दोस्तों और आज हम यहां पर लेकर आए हैं एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए और वो बड़ी खबर आ रही है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से और यहां पर काफी सारी पोस्ट यहां पर निकली है डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए तो कंप्लीट यहां पर हम डिटेल में एक एक चीज के ऊपर बात करने वाले हैं तो सर्वप्रथम सर आप बताइए इस पोस्ट के बारे में सर देखिए ये पोस्ट जनरली अगर देखा जाए तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के विद्यार्थियों के लिए तो काफी एक सुनहरा अवसर पैदा किया जा रहा है झारखंड के सभी विद्यार्थियों के लिए झारखंड की ओर से तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ये वैकेंसी निकाली है हम इस पर बात करेंगे कि ये वे इस वैकेंसी की क्या नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है क्या योग्यता होनी चाहिए कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए और भी जितनी भी बात होगी वो हम करने वाले हैं सबसे पहले हम अगर इसकी बात करें तो ये आ, ये विज्ञापन संख्या याद रखिएगा टू जीरो फोर 23 झारखंड जार्क, डिप्लोमा स्तर मतलब यह परीक्षा डिप्लोमा स्तर की संयुक्त परीक्षा रहेगी जो भी पेपर बनना चाहिए वो पेपर डिप्लोमा स्तर का यहां पर बनना चाहिए ठीक है अगर हम आगे इस पर बात करें आगे अगर हम इस पर बात करें सारी चीजें तो पहले थोड़ा सा चीज पढ़ते हैं और उसके बाद में समझने का प्रयास करते हैं कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 1640 के दिनांक 18 तीन 2023 द्वारा

आपके पास जो एग्रीकल्चर की ब्रांच है है उसमें भी पर निकली हुई इलेक्ट्रिकल, इले, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी निकली हुई है ये सारी की सारी आपके पास परीक्षा के लिए इन्होंने आवेदन आमंत्रित किए हैं आपको इनके आ, अगर आप इसमें इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा आ,

और जो कुछ जो कैटेगरी वाइज जो है इनकी फीस जो है वो फिफ्टी रुपीज आपका यहाँ पर रहने वाला है साथ ही साथ में सर यहाँ पर ये जो चीज आपकी फीस है वो नॉन रिफंडेबल रहने वाली है और जिन्होंने अगर फीस बिना पे किए अगर आप फॉर्म जो है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे साथ ही साथ में सर हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये आपकी बैकलॉग यानी कि सर ये पुरानी वैकेंसी दो वाली वैकेंसी का ही सर कहीं ना कहीं यहाँ पर भी फिल किया जा रहा है तो कुछ बच्चों ने सर वहां पर उस फॉर्म को समय फिल किया था तो यहां पर इन्होंने साफ साफ इस चीज को मैं कि उन्हें फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा परंतु परंतु सर यहां पर अब जब इस फॉर्म को जब आप फिल करेंगे वापस से फॉर्म तो आपको फिर से फिल करना पड़ेगा परंतु आपको परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा अगर आपने पहले पे कर रखा है पर उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है वो यह है कि आपका पहले जो आपने फॉर्म फिल किया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी जन्म तिथि जो है वो आपको अनिवार्य तौर पे यहाँ पर क्या करना होगा दर्ज करना होगा अगर आपके पास में वो रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल नहीं है और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको दिक्कत कर रहा है है तो आपको आपको फिर से पूरा जो फीस है वो आपको उस छूट नहीं मिलेगी जिन्होंने इस फॉर्म को पहले जब ये फॉर्म आया था जैसा इन्होंने बताया कि परीक्षा 2021 में तो आपने जब फॉर्म भरा होगा और आपने फॉर्म भरा होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपका पास और डेट ऑफ बर्थ आपके पास है तो आपको फीस देने की जरूरत नहीं लेकिन आप

जो मैकेनिकल uh, में आपके पास पेयजल और सस्ता जो विभाग है उसमें आपके पास लगभग छब्बीस पोस्ट निकली हुई है अगर हम आगे बात करें जो असैनिक के लिए इस सेम सेम इसी डिपार्टमेंट में आपके पास 223 नंबर ऑफ पोस्ट और सर ये जो नंबर ऑफ पर पोस्ट आप देखने को मिल रही है 223 पोस्ट और इसी की वजह से हम पर 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 बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर काफी सारी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है तो बच्चे का जो यहाँ पर आपने बोला था कि शुरुआत में कि कहीं ना कहीं एक सुनहरा अवसर है तो इन पोस्ट को नंबर ऑफ पोस्ट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है की बिल्कुल विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं सुनहरा अवसर झारखंड ने प्रस्तुत और आप इसमें ऐसा नहीं आप अपनी कैटेगरी वाइज पोस्ट भी देख सकते हैं वो भी आपके सामने सारा कुछ इन्होंने बताया हुआ है अगर हम करें स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की तो यहां लगभग पचपन पोस्ट निकली हुई है पाइपलाइन इंस्पेक्टर की बात करें तो सोलह पोस्ट निकली हुई है और आगे अगर हम इसको आगे करें तो अभी अभी खत्म नहीं हो आप टेंशन मत लो ठीक है सबके लिए आएगा ठीक है इसके बाद इलेक्ट्रिकल में जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसमें भी आपके पास जेई का पोस्ट जो नगर और विकास विभाग में निकला 46 पोस्ट है। फिर वापस आ जाते हैं डिपार्टमेंट है आपने देखा कि दो सौ तीन वहां पर थी अट्ठासी पोस्ट यहाँ पर देखने को हमें यहाँ पर मिल रही है वापस अगर मैकेनिकल की ब्रांच मैकेनिकल की बात करें तो लगभग फिफ्टी वन पोस्ट यहाँ निकली हुई है तो सर यहाँ पर

अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग अब वापस आ गया मैकेनिकल का जल संसाधन विभाग में लगभग तीस पोस्ट इन्होंने निकाली हुई है लगभग पोस्ट यहां पर आपके पास होगी फिर वापस अगर यहां बात करें तो वापस यहां पर अगर आप पर बात बात करेंगे इसी पथ पथ निर्माण निर्माण विभाग विभाग अब आपका में जब सत्तावन पोस्ट निकली हुई है सर असैनिक का मतलब यहाँ सिविल ब्रांच से मतलब आपके पास सिविल ब्रांच में भी काफी अच्छा क्योंकि देखो सिविल में तो होता ही है इसलिए मैंने शुरू में बोला कि सिविल ब्रांच के साथ साथ आपके मैकेनिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी एक exactly, भी सिविल के लिए तो काफी सारी पोस्ट देख, देखने को हमें मिलती है अलग अलग जगह पर अगर हम मोटर या निरीक्षक की बात करें तो लगभग लग चौवालीस पोस्ट यहाँ निकली हुई है और ये फिर आपके पास एग्रीकल्चर में चले जाते हैं तो 11 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है ठीक है तो एग्री और और अगर आगे आगे हम करें तो आई थिंक सो इसमें ये इतना आपके पास सारी इन्होंने बता दी है कि इतनी पोस्ट आपके पास दी हुई है ठीक है लगभग पंद्रह सौ के आसपास पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है आगे हम बात करें कि अब क्या क्या चीजें हो सकती है तो उस उस पर भी थोड़ी सी बात यहाँ पर हो जाए ठीक है देखो साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने कि आप जब इस फॉर्म को फिल करें तो पहले इसे पढ़ लें और इसकी योग्यता को देख लें कि आप इसके क्वालिफिकेशन के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे तो हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की तो सर क्वालिफिकेशन पर चलते हैं अपन तो अगर क्वालिफिकेशन पर बात करें तो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए आपका इसके बीच में रहेगा और साथ साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें कि सर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा या आई आई आपने उत्तीर्ण किया होना चाहिए साथ ही साथ में अगर हम बात करें पाइपलाइन इंस्पेक्टर की तो सर इसका वेतन मान ये रहने वाला है और यहां पर मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आपका प्लम्बिंग के अंदर आपने क्या है? ट्रेड में उत्तीर्ण किया हो साथ ही साथ में अगर हम यहां पर आगे बात करते हैं सर कनीय अभियंता यांत्रिकी तो सर जो मैकेनिकल वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यहां पर इनका वेतनमान ये रहने वाला है इसको अगर बहुत ही ढंग से अगर हम पढ़े तो विधि द्वारा स्थापित केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से आपने ए से अप्रूव्ड आपका यांत्रिक अभियंत्रण में आपका डिप्लोमा यानी मैकेनिकल में आपने डिप्लोमा किया पर सर इसने एक लाइन और लिखी है कि संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन

पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इस बार थोड़ा सा वेटेज दिया गया ठीक है आगे हम बात करें इस पर मोटरयान पर सर थोड़ा सा बात करना पड़ेगा देखिए यहां पर है ना जो ये मोटरयान है ना ये एक तरीके से आपके पास मतलब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है और ये अगर आप ना आपने मैकेनिकल में चाहे ऑटोमोबाइल में अगर आपने इसमें डिप्लोमा किया हुआ या फिर आपने डिग्री की हुई है वो विद्यार्थी भी इसको भर सकते हैं तो इस बात को आप थोड़ा सा याद इसमें तकनीकी योग्यता भी मांगी कि गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटर लिए अधिकृत चालन अनु तकनीकी बिल्कुल तकनीकी योग्यता जो मांगी गई है ना दोस्तों ये 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 हमेशा मांगी जाती है इसमें कि आपके पास लाइसेंस लाइसेंस होना चाहिए आपके पास लाइसेंस के कौन सा होना चाहिए तो इन्होंने बोला कि मोटरसाइकिल का और, और जो हल्के मोटरयान होते हैं तो इसको है ना अपन एक दो दो तरह के आपके पास लाइसेंस होते हैं उनमें से सबके पास होता है मोटरसाइकिल का तो ठीक है तो वो चीज मांगी गई है इसको ये मैकेनिकल वालों के लिए भी काफी सुनहरा अवसर है ठीक है इसमें इसका थोड़ा सा सिलेबस मुझे है ना लग रहा है कि उसी टाइप का होगा जिस टाइप के अदर स्टेट में होते हैं तो हम बात करेंगे उस पर है ना अब बात कर लेते हैं सर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिएगी तो सर जैसा कि आपने यहाँ पर देखा देख रहे हैं आप यहाँ पर

मतलब जिनका अभी तक रिजल्ट अगर पेंडिंग में है अगर आ जाता है तो ठीक है नहीं आता है तो नहीं भर पाएंगे साथ ही साथ में ये कुछ आ, अलग खेलकूद वाले विद्यार्थियों को और उन्होंने आरक्षण दिया है उसके बारे में भी यहाँ पर दिया है तो आप एक बार इस पूरे नोटिफिकेशन को इनकी साइट पर जाकर कम्पलीट रीड करें अब हम आगे बढ़ते हैं आगे हम बढ़ेंगे इसमें दोस्तों ठीक है तो जैसा की आपने देख सकते हैं कि सर यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट फिर से दी है की आप इस वेबसाइट पर जाकर कम्प्लीट जो है एक बार इसके नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं आगे हम आगे बढ़ते हैं

अगर अपन बात करें कि 35 और 37 मतलब कैटेगरी है तो 37 साल तक आप भर सकते हो और अगर आप जनरल से तो 35 साल तक आप भर सकते हो बाकी महिला के लिए अलग दी हुई है इन्होंने 38 साल इन्होंने के दिया और 40 साल इन्होंने के दिया ठीक है और आगे हम बात करें इसमें तो ये ठीक है मतलब मतलब इतना तो वो देता ही आपको तो एज की यह है कि न्यूनतम अठारह उसके बाद लगभग 35 साल के ऊपर जा रही और सारी साथ साथ में जो है अगर आगे हम करें क्योंकि आप और भी देख सकते हो जो भी आपके पास है उसमें भी आपको छूट मिलती है अपनी अपनी वो चीजें देखी सकती है इसके ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश तो सर किस तरह से आपको फॉर्म भरना है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीजें तो आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन और विवरण को पूरा ढंग से पढ़ ले सात में यहां पर यह बोला गया विवरण को ध्यान पढ़ पूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले लेकर जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु तो आवश्यक है वो आपके पास में उपलब्ध होने चाहिए साथ ही साथ में फोटो और स्कैन आपका स्कैन होना चाहिए और सभी प्रमाण पत्रों को ध्यान से देख लें और उनका नाम पिता का नाम कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए अन्यथा बाद में फिर कहीं ना कहीं ज्वाइन ज्वाइन टाइम की बात नहीं है दोस्त अगर आपकी स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक है ना ना दसवीं के सर्टिफिकेट में हो या फिर आपके आगे के सर्टिफिकेट में हो तो वो नहीं होनी चाहिए ना तो वो रिजेक्ट कर देंगे बिल्कुल ये बात यार अगर है तो आप उसे सुधार करवा ले पर्टिकुलर जहां से से लो दसवीं के बोर्ड है आपके वहां से सुधार हो जाता है कभी कभी ठीक है और ये तो बात है इसमें तो कुछ और है नहीं और आप है ना मतलब आवेदन सबमिट करना कैसे ना भरना कैसे और सबमिट करना कैसे पहली बात तो देखो दोस्त इस पूरे पूरे के पूरे इस नोट नोटिफिकेशन को आपको ध्यान से डाउनलोड करना है exactly. एक चीज को ना पढ़ना है इन्होंने साफ बोला है कि आप इनकी वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड कर ले हम आपको की पॉइंट बता रहे हैं जहां काम की बात है एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है जो यहाँ पर थी कि फोटो और जो आपका सिग्नेचर है ना वो भी आपके पास अच्छे से होना, चाहिए और ये बात याद रखना कि उन्होंने कितने साइज में उसे मांगा है उस बात का ध्यान रख के आप अपने आपको इसमें तो एक बार सर ये पूरा प्रोसेस जो है जैसा कि इन्होंने दिखा रखा है कि सर आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस वाली जगह पर जाकर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन करना है आप जैसे ही पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते है आपके मोबाइल फोन ई पर पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आएगा

और आवेदन के प्रत्येक प्रश्न को सेव एंड कंटिन्यू करने के पश्चात अगले प्रश्न की सूचना भरा जाना आवश्यक है मतलब कि सर आपको फिर से लॉगिन करके ये कंप्लीट जो प्रोसेस इन्होंने बोला है सेव एंड कंटिन्यू वाला ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है

और अगर आपको कोई भी संशोधन करना है इसके बारे में ट्वेंटी नाइन सिक्स मतलब जून है ना 29 29 6, मतलब आप 29 जून से आ, से लेकर आप एक साथ मतलब एक जुलाई तक क्या मध्य रात्रि तक आप जो भी आपका फॉर्म भरा है आप उसमें अपना नाम हो 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 गया गया जनती थी गई ईमेल आईडी मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी इन म, चार चीजों को छोड़कर चार चीजों को छोड़कर अगर किसी में आपने आपने इनकरेक्ट डाटा दे दिया तो उसे करेक्ट आप कर सकते हैं ठीक है ये सारी चीजें इसमें तो है ना आगे हम बढ़े इसके इसके बाद अगर आगे हम देखें इसमें और क्या क्या चीजें हैं देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो ऑनलाइन आप जो आप फॉर्म फिल करेंगे तो इन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु तो दिनांक 25 पच्चीस पच्चीस मई से लेकर और लगभग चौबीस जून तक आप मध्य रात्रि तक इसका कर सकते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में बता दीजिए सर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए दिनांक आपका 26 छह 2023 की मध्य रात्रि तक आपको ये करना है और फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने आवेदन पत्र का पत्र का प्रिंट आउट लेने की जो दिनांक है वो 28 छह 2023 की मध्य रात्रि तक अट्ठाईस तक तो आपको सारा अट्ठाईस का तो इंतजार आप करोगे नहीं मुझे पता है ठीक है इसके और आगे, आगे लिखा है दिनांक सर उन्तीस छह दो से दिनांक एक सात दो की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र वापस जो आपको अगर कुछ आप गलती से इनकरेक्ट हो गया था तो उसे आप भर सकते हो वही डेट यहाँ पर दी गई है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सर आगे इन्होंने बता रखा परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं ऊपर करिए सर इसको ठीक है देखिए अगर थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा सर एक बार सत्रह अपने ओ, ये, ये हो गया था अपना ठीक है ये हो गया था ऊपर करिए इसको थोड़ा ऊपर करिए और ये ऊपर उप, करिए थोड़ा और ऊपर करिए ये सारी चीजें हो गई चलिए यहाँ तक हमने आपको ये पहले ही बता दिया है ठीक है और ये पंद्रह वाली सारी तिथि हमने दे, आपको डिस्कशन कर दी अब आप आ जाओ यहाँ पर पदों यह का परीक्षा का पैटर्न ऑफ पैटर्न पैटर्न एग्जाम का कैसा होने वाला है तो सीवी एग्जामिनेशन होने वाला है ठीक है और जो भी होगा ना फिर उसका नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा जैसा हर एक में होता है ठीक है अगर हम बात करें कि परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम क्या होने वाला है परीक्षा एक चरण मुख्य एक ही मतलब एक ही पेपर होगा आपके पास ठीक है सभी के सभी पर्सन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव हो होंगे. होंगे आपके पास ठीक है और नेगेटिव मार्किंग भी मैं देख लेता हूं सर एक पर्सन का पूर्ण तीन नंबर का होगा तीन नंबर में से दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए एक नंबर काटा जाएगा मतलब वन बाई थर्ड नेगेटिव मार्किंग होगी इस बात का ध्यान रखें लैंग्वेज में आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपके पास होने वाला है ठीक है ठीक है सर आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं इसमें अगर हम बात करें ये तो सारा का पाठ्यक्रम के अंदर देख लीजिए सर इन्होंने पहले बता रखा कनीय अभियंता विद्युत मतलब आपके पास इलेक्ट्रिकल हो गया सिविल &E, ब्रांच हो गया और, और मैकेनिकल ब्रांच हो गया यानी यान 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 कि मैकेनिकल और कनिया कृषि जो अभियंत्रण है और मोटर यानी ऑटोमोबाइल यान यान सीधी नियुक्ति जो उनका पाठ्यक्रम है उसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पर तो देखिए एक बार आप बताए मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे दो पारियों में ली जाएगी दो घंटे की परीक्षा होगी सामान्य अभियांत्रिकी मतलब जो भी आपका ब्रांच है उससे रिलेटेड अस्सी क्वेश्चन होंगे और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड चालीस क्वेश्चन होंगे ठीक है ये पेपर ये पत्र संख्या एक की बात हो गई अगर हम आगे बात करें पत्र नंबर दो में आपके पास जो आपकी ब्रांच है ना उसे 120 क्वेश्चन होंगे दो घंटे में करने होंगे ठीक है और अगर आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल पर्टिकुलर ब्रांच से जो है उससे आपका पेपर आएगा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल यहां से आपके आपके तो पास बेसिकली सर पर दो प्रश्न पत्र देखने को मिल रहे हैं जो जो आपके जो यहां पर प्रश्न है उसमें दो घंटे की अवधि उसमें अस्सी क्वेश्चन आपके सामान्य के है और जो चालीस क्वेश्चन है वो आपके सामान्य ज्ञान के यहाँ एक रोल प्ले करेगा सामान्य अभियांत्रिकी का जब आप सिलेबस देखेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि इसका पहले बस क्या है और इसका क्या ये तो चलो ठीक है ये तो अपना ब्रांच से पर सामान्य की बात अपन अभी आगे आगे करेंगे सामान्य अभियांत्रिकी में आपके पास सिविल ब्रांच भी आएगी इलेक्ट्रिकल भी आएगी मैकेनिकल भी आएगी इस बात का ध्यान रखिए आपको तीनों ही ब्रांच में के वहां पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो झारखंड के विद्यार्थियों में यही बात होती है कि सर इसको कैसे तैयार किया जाए क्योंकि मैकेनिकल वाले ने कभी सिविल पढ़ा नहीं होता और सिविल वाले ने कभी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल नहीं पढ़ा होता है तो किस तरह से तैयार की जाए तो ये आप है ना इनके टॉपिक देख लीजिए सबसे पहले टॉपिक अगर आप देख लेंगे तो बीएमसी वाला बिल्डिंग मटेरियल आ गया सिविल में ठीक है कॉस्ट मतलब आपके पास कॉस्टिंग और यह आ गया सर्वे हो गई सॉयल मैकेनिक्स हो गई हाइड्रोलिक्स हो गई इरीगेशन हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया और इन्वायरमेंट हो गया

जनरल खंड के जो जनरली सारा कुछ जो आने वाला है ना वो झारखंड के चा, चाहे वो हिस्ट्री झारखंड की हो चाहे उसका जियोग्राफी हो चाहे उसकी इकोनॉमिक हो सब कुछ वहां से ज्यादातर झारखंड से ही पूछा जाने जाएगा आपके पास जो यहाँ दे रखा है और सामान्य विज्ञान में अगर बात करें करो तो, हिमांशो ये वही सामान्य, सामान्य विज्ञान जो आपका साइंस के जो क्वेश्चन है आपको देखने को फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ देखें सामान्य गणित के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको गणित में प्राथमिक बीज मतलब एल्जब्रावेशन के क्वेश्चन ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टेग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेंचुरेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये इनका लेवल जो है वो आपका टेंथ क्लास का जो लेवल है वो देखने को मिलने वाला है साथ ही साथ में मानसिक क्षमता जांच की अगर हम बात करें तो सर ये कई कहते हैं इसकी अगर बात कर रहा है इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक मतलब आपका वर्बल और आपका नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं वर्बल और नॉन वर्बल मतलब, मतलब, analogy, based, आपका कल्पना, मतलब कि आपका ये हो गया समस्या समाधान मतलब कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन हो गए और इसी तरह से आपके दृश्य स्मृति और विभेद और अवलोकन ये सब आपका नॉन वर्बल वाला पार्ट हो गया पूरा का पूरा रीजनिंग आपको पढ़ना है वर्बल और नॉन और गणित

को पढ़ना पड़ता है ठीक है exactly, और sir. ये जो जो-जो आपका है, आपका सेकंड पेपर इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा अगर सिविल सिविल ब्रांच ब्रांच है तो के जो जो दे बीएमसी हो 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 गया आपके पास, आपके पास हो गया आपके पास हो गया हो गया, हो गया, हो गया, मतलब इसमें आ गया आपके 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 पास 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 और कॉस्टिंग सर्वे हाइड्रोलिक फिर थी थी बात वाले के लिए

टॉम अभी तक मुझे लगा नहीं कि टॉम कहीं पर है तो कहीं कहीं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपके पास सारे के सारे जो भी आपके पास सब्जेक्ट होते हैं उनको आप अच्छे से देख सकते हो सारा का सारा ये सब्जेक्ट है आपके पास ठीक है आगे हम बढ़े सर इसमें ये मतलब पर्टिकुलर ये आपको जो दे रखा है ना उन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आने का चांस रहेगा ठीक है ये कंप्लीट आपका जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल का, का आपके पास कंप्लीट ये रहने वाला है ये एग्रीकल्चर का, का आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है ठीक है ऑटोमोबाइल वाला जो है ऑटोमोबाइल में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ऑटोमोबाइल में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे यहाँ पर की थोड़ा सा ऊपर करिए इसको सर ठीक है इसमें मशीन डिजाइन भी आ गया, गया में। मुझे लग रहा है, का बड़ा सा। तो सर ये थर्मल मैकेनिकल मतलब और ऑटोमोबाइल करें अप्लाइड आगे, आगे मैकेनिक्स तो में मतलब मैकेनिक्स हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल मतलब uh, आपके पास मेटेरियल uh, साइंस हो गया मशीन ड्रॉइंग हो गया आपके पास ठीक तो तो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको दे रखा है फ्लूड मशीन आपको दे रखा है ठीक है तो वो सेलेबस है जो आपको मैकेनिकल में यहां पर जैसे कि ऑटोमोटिव आटो, इंजन बारे में भी यहाँ पर है और आपका वो पूरा हो गया वो आईसी इंजन और, और, और के बारे में भी और, के बारे में भी है और मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी है ऑटोमेटिव एमिशन एंड कंट्रोल ये सब हैं तो कुछ चीजें सर इसमें ऑटोमोबाइल वाले ऑटोमोबाइल में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ऑटोमोबाइल थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा जैसे आपके फ्रेम हो गए आपके चेसिस हो गए आपके क्लच हो गया आपका ब्रेक हो गया इस सारे टॉपिक्स आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और हीटिंग वेंटिलेशन आदि भी यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये सारे सिलेबस हमने डिस्कशन कर लिए दोस्तों ठीक है स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर और पाइप लाइन इंपेक्टर कहीं ना कहीं आई टीआई वालों के लिए तो आप इसको भी देख सकते हैं सारी की सारी चीजें सर एक ही परीक्षा रहने वाली है इसके लिए इन्होंने बोला है कि एक ही परीक्षा होगी और वो तीन घंटे की ली जाएगी और उसमें एक सौ अस्सी आपके क्वेश्चन तीन घंटे का ये रहने वाला है इसमें आपको सामान्य ज्ञान और ये बाकी सब कुछ चीजें दे रखी है सर आगे हम इस इसमें बढ़ते हैं ठीक है इनके मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से तो क्या रहने वाला है ठीक है और ये आपको सारा सिलेबस में पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए भी पूरा मेंशन कर दिया तो आप इस सिलेबस को क्या है की जो भी आपका पर्टिकुलर जहाँ आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो करना चाह रहे हो उसका सिलेबस निकालो और अपने रूम में चिपका लो ये सारी ज्ञान के बारे में भी बता रखा है ये सारी बातें हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है

आराम से पहले नोटिफिकेशन पढ़िए फिर फॉर्म को फिल करिए तो मोटी मोटी सारी बातें हमारे पास हमने रिक्वायर्ड थी वो तो हमने सारी डिस्कस कर ली है, है? सारी हैं पर कवर कर चुके। तो तो साथ झारखंड इस... के सभी विद्यार्थी चाहे वो सिविल ब्रांच से हो चाहे मैकेनिकल से हो चाहे इलेक्ट्रिकल इस... से हो और ऑटोमोबाइल से होली डिप्लोमा और डिग्री दोनों इन्होंने कहीं कही ना कहीं बोला हुआ है तो दोनों के लिए काफी सुनहरा मौका यहां दिया हुआ है ठीक है आप इसकी तैयारी किस तरह से करें उसको एक बार सिलेबस आपको देखना पड़ेगा दोस्त जब सिलेबस आप देख लेंगे तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं सर एक बात मेरा क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहूंगा कि उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस किस तरह से इस एग्जाम में इन विद्यार्थियों की हेल्प बिल्कुल सर तो मैं जैसा कि विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि यहां पर विद्यार्थियों के लिए सर डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज यहां पर अवेलेबल है जहां पर आपके जितनी भी अलग अलग, अलग ब्रांचेस वाइज आपके जो सिलेबस है उनको कवर कराया जा रहा है साथ ही साथ में सर उत्कर्ष इंजीनियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी काफी सारे वीडियोज सर जो आपके जनरल इंजीनियरिंग के लिए है वहां से भी बच्चा जो है प्रिपेयर कर सकता है साथ ही साथ में नॉन टेक वाले पोर्सन के लिए भी कहीं ना कहीं वो वहां से प्रिपेयर कर सकता है और ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज भी आपके उत्कर्ष के ऐप पर अवलेबल है, तो अपनी तैयारी को आप यहां से सुनिश्चित कर सकते हैं, और ये जो बंपर निकली है, उसमें अपना कहीं ना कहीं लेके तो ले आए और आपके कोई भी अगर आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा और आज के लिए सर, मुझे, मुझे लगता है इतना ही काफी थैंक यू सो मच